हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेके आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक वर्गीकरण। क्या है हिमाचल प्रदेश का, क्या है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक वर्गीकरण? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो और जो हम हिमाचल के जो भी हमारे आयुक्त रहे, जो भी रहे, उनके बारे में हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं 1948 से लेकर 1951 तक। ठीक है, तो इस समय जो हमारे जो मुख्य आयुक्त के आयुक्त थे, उनके अधीन हमारा हिमाचल प्रदेश था। किन के? मुख्य आयुक्त के। ठीक है, के अधीन था। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो हमारे प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त यहां लिखता हूं इसका आंसर में, प्रथम आयुक्त थे हमारे एन एस मेहता। ठीक है, आप लोगों नोट, पहले हमारे मुख्य आयुक्त थे एन एस मेहता। ठीक है, और उप मुख्य आयुक्त ये थे हमारे पीपी खून। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। और अंतिम मुख्य आयुक्त थे, यहां लिख देता हूं, अंतिम थे हमारे भगवान सहाय। कौन थे? भगवान सहाय। ठीक है, ये आप लोगों ने जो नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम 1951 से 1956 के बीच में जो भी हमारे कार्य हुए हैं प्रशासनिक के, सरकार के द्वारा प्रशासन जो हमारा बनता है उसके द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1951 टू 1956 तक के। ठीक है, 56 तक के, इसमें जो था हिमाचल को पार्ट सी में, ठीक है, पार्ट सी की श्रेणी में लाया गया था। ठीक है, पार्ट सी स्टेट बनाई गई थी। ठीक है, ठीक है, और इसमें हमारे उपराज्यपाल थे, इसमें हमारे प्रथम उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, ये हमारे प्रथम उपराज्यपाल थे। ठीक है, अब जो है 1956 से लेकर 1971 के बीच में बढ़ते हैं। उन्नीस सौ छप्पन टू 1971 के। ठीक है, तो इसमें हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, इसमें हम केंद्र शासित, ठीक है,
और उसमें हमारे उपराज्यपाल थे हिमांचल इसमें हमारे उपराज्यपाल थे बजरंग बहादुर। कौन थे? बजरंग ठीक है, बहादुर ठीक है, नोट कर लेना है ठीक है। अब मैं बताता हूँ, 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 71 फुल स्टेट बन गई ठीक है। फुल स्टेट बन गई ठीक है। और गवर्नर थे एस चक्रवर्ती। थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ मैं। गवर्नर थे एस चक्रवर्ती ठीक है, कर लेना है नोट आप लोगों ने। और पहली हमारी गवर्नर कौन रही है? महिला शीला कौल ठीक है, कर लेना है आप लोगों ने ठीक है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा सितंबर 1948 से 1954 के बीच की कुछ प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में बताऊंगा। सितंबर 1948 टू 1954 के बीच में ठीक है। तो इसके बीच में जो था बिलासपुर क्या था? पार्ट सी में था ठीक है। और मुख्य आयुक्त वहां का था मुख्य आयुक्त था आनंद चंद। कौन था? आनंद चंद ठीक है। और अंतिम था श्री चंद छाबड़ा, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लेना है ठीक है। तो आप पढ़ेंगे हम विधानसभा के बारे में ठीक है। विधानसभाएं तो अब विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। 1951 टू 1956 तक, 1951 टू 1956 तक का, तो इसमें जो था हमारे 36 सदस्यों की जो था विधानसभा थी, इसमें जो था 36 सदस्य थे ठीक है। और वर्तमान में तो आपको पता है कितने हैं, तो आज का 68 है विधानसभा। 24 मार्च 1952 को ठीक है प्रथम सरकार बनी। क्या बनी? प्रथम बार सरकार कितने को बनी? 24 मार्च 1952 को जो हमारी प्रथम सरकार बनी ठीक है। तो कांग्रेस ने जो है इसमें 24 सीटें जीती और सरकार बनाई। कांग्रेस ने 24 सीटें जीतकर सरकार बनाई ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो सरकार तो बना दी, सरकार को चलाने के लिए भी कोई चाहिए था
उसके लिए जो हमारा हमने एक उसका मुखिया बनाना था, तो हमने जो हमारी 36 सीटें थी उनका एक मुखिया था, तो वो मुख्य सीएम के रूप में, सीएम चीफ मिनिस्टर के रूप में हमारे प्रथम जो थे वो रहे थे वाईएस परमार, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। तो सरकार तो उसके लिए मंत्री भी चाहिए थे, तो दो मंत्री बने, कितने बने मंत्री, दो मंत्री चुने गए। पहला था पद्मदेव, पंडित पद्मदेव, और सेकंड वन थे गौरी प्रसाद। कौन थे सेकंड वन थे गौरी प्रसाद, दो मंत्री बन चुने गए, ठीक है। और विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया, अब सभाएं भी होनी थी, रब कर देता हूं मैं इसे। विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे जयवंत राय। कौन थे जयवंत राय, ठीक है, नोट कर लेना है। और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष थे कृष्ण चंद। कौन थे कृष्ण चंद, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। आपको ये चाहे आप एचएएस अलाइट पुलिस और जो भी एग्जाम की तैयारी करें उनके उसके लिए ये बेस्ट रहेगा ये नॉलेज, तो आपने नोट कर लेना है। उन्नीस सौ चौवन में जो था क्या इसका थोड़ा सा, और बिलासपुर के जुड़ने से विधानसभा के 5-10 से और बढ़ गए थे, ठीक है। 1954 में बिलासपुर के जुड़ने से 5 सदस्य, ठीक है 36 से थे 5 और बढ़ गए, फिर 41 हो गए, ठीक है। तो वोट डाला, और हमने हमारा जो पहला वोट डाला था वो थे हमारे श्याम सर नेगी किन्नौर से, क्या थे श्याम शरण नेगी, कहाँ से थे किन्नौर से, प्रथम वोट डालने वाले, ठीक है, फर्स्ट वोट इन्होंने पहला फर्स्ट वोट कास्ट किया था वो किन्नौर के थे हमारे श्याम शरण नेगी, अभी भी ये जीवित है, ठीक है। 1951 में इन्होंने दिसंबर के इस महीने के बर्फ होने के कारण वहां पे पहले इलेक्शन करवा दिए गए थे, तो इन्होंने पहला वोट डाला था, ठीक है, कर लिया नोट। अब 1956 में जो था हिमाचल प्रदेश में क्षत्रिय परिषद अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 1957 में क्षत्रिय परिषद के चुनाव हुए,
क्या हुए, चुनाव हुए और 41 सीटें थी और प्लस दो, ये दो सीटें ये थी उपराज्य द्वारा उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होती थी और ये 41 सीटें ये थी जनता के द्वारा, ठीक है। ये उपराज्यत्व ठीक है, ये जनता द्वारा होती थी और ये दो सीटें ये थी उपराज्यत्व के द्वारा मनोनीत होती थी, ठीक है। 1957 से 63 तक, 1957 से लेकर 1963 तक जो क्षेत्रीय परिषद चलती रही, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे हमारे मंडी जिले के चचियोट से ठाकुर करम सिंह, कौन थे, ठाकुर करम सिंह, ठीक है, चचियोट मंडी, ठीक है। उसके बाद फिर से 1963 में फिर से चुनाव हुए फिर से कांग्रेस की सरकार आई विधानसभा, कांग्रेस की सरकार आई, वाई एस परमार फिर से कौन रहे, वाई एस परमार सीएम रहे, फिर और संविधान अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष फिर से बना, और इस बार जो हमारे अध्यक्ष थे वो देशराज महाजन थे, ठीक है। 1966 में जो थी 41 सीटें थी और 13 सीटें पंजाब से मिलकर जो हमारा बना वो आ गई, 13 ऐड और हो गई इसमें, जो हमारे बीच का आधा भाग जो था पंजाब में था, 1966 में सीटें बढ़ गई, 41 तो पहले ही थी और 13 और ऐड हो गई पंजाब की, ठीक है, और 54 हो गई और दो तो मनोनीत थी, कितनी हो गई, 56, ठीक है। 1967 से 1972 में तीन और बढ़ गई, 1967 तक 73 तक, ठीक है, 66 हो गई, 63 हो गई थी, ठीक है। और 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1970 को एक बहुत बड़ा एक्ट पास हुआ जो था एचपी स्टेट का, को एचपी स्टेट का एक्ट पारित हुआ और 1972 से 77 के बीच में, इस बीच में जो है टोटल स्टेट बन गई, पूर्ण राज्य बन गया,
और कितनी सीटें हो गई, 68 सीटें हो गई। ठीक है, कुछ और बातें हैं बीच में, एक बात बीच में रह गई 1975 की। 1975 में आपातकाल लग गया, आर्टिकल 352 के तहत ठीक है, और 1976 से 1977 के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 1976-77 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 ठीक है, वाई एस परमार इसमें जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वाई एस परमार जो हमारे मुख्यमंत्री थे दूसरी बार के, इन्होंने मुख्यमंत्री पद से जो था इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, 1977 वाई एस परमार जी ने इस्तीफा दे दिया, और 1977 में जो था दूसरा मुख्यमंत्री बना। दूसरे में भी कांग्रेस के ही थे, ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर रामलाल ये हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हुए 1977 से लेके 1977 से 1980 के बीच में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और हिमाचल को एक और नए मुख्यमंत्री मिले, थर्ड सीएम एचपी के, वो थे शांता कुमार। ठीक है, ये हमारे थर्ड सीएम रहे शांता कुमार। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे थोड़ा और पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।